कांग्रेस के 39 विधायकों ने शिवसेना की सरकार बनाने में फच्चर लगा दिया है। एक लेटर लिखा है कांग्रेस के आला हाईकमान को और कहा है कि सरकार में शामिल होना कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल कांग्रेस का हाईकमान ये सोच रहा था कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बनाए और समर्थन बाहर से कांग्रेस दे, और इसकी बड़ी वजह भी थी। अगर ये तीनों मिलकर सरकार बनाते हैं तो जो पार्टी है विपक्ष की, विपक्ष का नेता पद तो जाना ही है बीजेपी के पास, विपक्ष पूरा का पूरा बीजेपी के पास होगा और इसका मैसेज ये जाएगा कि सरकार में कुछ भी गलत होता है तो तीनों पार्टियां जिम्मेदार होंगी। ऐसे में सेफ गेम खेलना चाहते थे कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, और सोनिया गांधी से भी डिस्कस हुई, अहमद पटेल भी यही चाहते थे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि बाहर भी रहना और अंदर भी रहना, यानी कभी भी सरकार के अच्छे फैसले हों उनका क्रेडिट लेना, और अगर कुछ गलत करते हैं तो समर्थन को दबाव देना, एक तरह से वो विपक्ष की तरह भी भूमिका निभाना और सत्ता पक्ष की तरह भी भूमिका निभाना। कांग्रेस ये गेम करना चाहती थी, उन्हें ये भी पता है कि कभी भी ये गठबंधन गिर सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने प्लान किया था कि बाहर से समर्थन देंगे। जयपुर में जो उनके विधायक पहुंच गए सारे के सारे, उनमें से 39 ने लेटर लिखकर बाकायदा साइन करके समर्थन देने की बात कही है, लेकिन सरकार में शामिल होना जरूरी है कांग्रेस के लिए। एक तरफ संजय निरुपम लगातार मना कर रहे हैं कि शिवसेना से टाई अप करना, सरकार को समर्थन देना या सरकार में शामिल होना दोनों ही गलत हैं, ऐसा कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके सरकार को समर्थन तो देना चाहती है। बीजेपी की सरकार नहीं चाहती, अपने समर्थकों को खासतौर पर मुसलमानों को कांग्रेस ये समझाएगी कि बीजेपी को सत्ता से रखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब फॉर्मूला क्या हो, अगर मान लेती है कांग्रेस अपने 39 विधायकों को जिनकी बात कि अगर हम समर्थन नहीं देते सीधे सीधे सरकार में शामिल हो जाते हैं, तो वो फॉर्मूला उन्हीं की तरफ से आया है जो कांग्रेस के विधायक हैं जो उन्हें लीड कर रहे हैं। और ऐसे में जाहिर है अशोक चव्हाण या पृथ्वीराज चौहान जैसे कोई ना कोई बड़ा नेता जरूर होगा जो उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा होगा। वो कह रहे हैं कि हर पार्टी का, यानी शिवसेना एनसीपी कांग्रेस तीनों के 6 कैबिनेट मंत्री और 8-8 राज्य मंत्री, यानी 6-6 कैबिनेट मंत्री तीनों के होंगे, 8-8 राज्य मंत्री तीनों के होंगे, मुख्यमंत्री पद शिवसेना के हिस्से में जाएगा, उप मुख्यमंत्री एक कांग्रेस का हो और एक एनसीपी का हो, ये फॉर्मूला पेश किया है। लेकिन कांग्रेस के नेता जिन्होंने समय लिया है 4 बजे तक का, 7:30 बजे तक, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे हैं हो सकता है इसके बाद देखें, लेकिन हम बात कर रहे हैं 11 नवंबर की, 7:30 बजे तक का समय है और 4 बजे तक कांग्रेस को बताना है, और 4 बजे के बाद एक बार फिर सब लोग समर्थन का पत्र सौंपेंगे, फाइनल करेंगे कि क्या फॉर्मूला तय हुआ है। ऐसे में कांग्रेस को ये तय करना है कि बाहर से समर्थन दे या सरकार में शामिल हो। लोग इसलिए भी सरकार में शामिल होना चाहते हैं, जो विधायक हैं वो कह रहे हैं, और उसकी वजह भी है क्योंकि एनसीपी को सरकार में शामिल होना ज़रूरी है। ईडी की जांच जो चल रही है उस पर कहीं ना कहीं केंद्र पर दबाव हो सकता है, इसके जरिए वो दबाव कम हो सकता है। ऐसे ही कांग्रेस के कुछ नेताओं पर भी सरकार में से हटने के बाद जांच चल रही है, और ऐसे में जो होम मिनिस्ट्री है महाराष्ट्र की वो उनके हाथ में होना ज़रूरी है, उससे बड़ी भूमिका तय हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसको दूर करने के लिए सोनिया गांधी ने जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो सुशील शिंदे हों, चाहे वो अशोक चव्हाण हों, चाहे बाला साहब थारूत हों, सबको बुलाया गया है, दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में मीटिंग में तय होगा कि बाहर से समर्थन देगी कांग्रेस या सरकार में शामिल होगी, लेकिन दोनों ही पोजीशंस में खामियाजा भुगतना कांग्रेस को तय है। ऐसे में ऊहापोह में कांग्रेस मुश्किल हो रहा है फैसला लेना, और ऐसे में सांसें अटक रही हैं शिवसेना की भी। इस खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।